अमृतसर में आज कोरोना के 34 नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही अमृतसर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 691 हो गई है, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अमृतसर में अभी तक 26 लोगों की जान कोरोना ने ले ली है। जो आज 34 नए मरीज मिले हैं, उनमें से 26 मरीज ऐसे हैं जिनकी कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं है। सेहत विभाग इसे लेकर भी परेशान है कि लोगों में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। वहीं सेहत विभाग के अधिकारी और मेडिकल कॉलेज के अधिकारी जो हैं, वो बैठकों में व्यस्त हैं। कोरोना से किस तरह बचा जाए और इसके लिए क्या क्या किया जाए, ये बताने के लिए ना तो सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर के पास समय है और ना ही सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल सुजाता शर्मा के पास। जबकि गुरु नानक देव अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर रमन शर्मा कहते हैं कि वह कुछ भी बताने के लिए अधिकृत नहीं है। आज बार बार सिविल सर्जन डॉक्टर जुगल किशोर से कुछ बातों को लेकर बात करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। हर बार यही मैसेज करते रहे कि मैं बैठकों में व्यस्त हूँ। इसी तरह सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल भी कुछ बताने को तैयार नहीं, जबकि हमें पता चला है कि गुरु नानक देव अस्पताल में दो दिन पहले एक ऐसी गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया गया जो कोरोना से ग्रस्त पाई गई थी। अब उस दौरान वहां कौन कौन आया, उसके अलावा और कौन मरीज वहां भर्ती किए गए, कौन डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे, इस सब को लेकर आज बैठकों का दौर तो सरकारी मेडिकल कॉलेज में चलता रहा और कुछ लोगों को क्वारंटाइन किए जाने की बात भी की जाती रही। लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अधिकारियों का रवैया देखिए, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। हमारा अपने चैनल के माध्यम से लोगों को यही संदेश है कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। आपको सेहत विभाग बचाने के लिए नहीं आएगा, वे तो केवल आपको ये समझा सकता है कि हाथ धोएं, मास्क पहनें, बाकी कोरोना से आपको खुद ही बचना है।